हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू डेली हेल्थ टिप्स। तो आज के इस वीडियो में ना हम जानने वाले हैं पेट में सूजन क्यों होती है, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसे कैसे छुटकारा पाया जाए। देखिए, पेट में सूजन की प्रॉब्लम का कारण ना बैक्टीरियाज और वायरस की वजह से होता है। दरअसल जब हमारे पेट में इन्फेक्शन होता है ना दोस्तों, तो इसकी वजह से हमारे पेट में सूजन हो जाती है। ना सिर्फ सूजन होती है बल्कि पेट फूल जाता है, कब्ज, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, जो कि सूजन की निशानी के तौर पर आपको लक्षण नज़र आते हैं। तो देखिए, जब आपके पेट में ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपको जो है स्टूल करने में प्रॉब्लम आती है। जब स्टूल आपके पेट से बाहर नहीं निकलेगा, बैक्टीरिया और वायरस आपके पेट में जो है पनपने लगेंगे, तो दोस्तों आपको सूजन तो होती ही है। तो यही कारण थे जिस वजह से आपको सूजन होती है, ठीक है। और ना दोस्तों, पेट में जब आपको सूजन होती है ना, तो इसके वजह से आपको बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, पेट में मरोड़ उठती हैं, उल्टियाँ आती हैं, सर्दी लग जाती हैं, कमज़ोरी होती है और भूख भी नहीं लगने की प्रॉब्लम होती हैं, क्योंकि पहले से ही आपके पेट में खाना जो है सड़ चुका होता है, पेट भरा भरा सा महसूस होता है। तो आपको भूख कैसे लगेगी? जब पेट साफ होगा तो भूख लगेगी ना। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो ऐसे में जब आपको पेट में सूजन हो जाती है, तो इसके लिए आपको ना इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी होता है। मतलब कि ऐसे में समय रहते पेट की सूजन और इन्फेक्शन को, दोनों को दूर करना ज़रूरी है। आज का हमारा वीडियो इसी विषय पर है। आज हम आपको पेट की सूजन को दूर करने के लिए कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे कि ना आपको 2 से 3 घंटों में ही जो सूजन है पेट की, उससे आराम मिल जाएगा। जी हाँ, सबसे पहले आप लौंग का इस्तेमाल करें। देखिए, लौंग ना पेट में मौजूद छोटे छोटे से बैक्टीरियाज होते हैं ना, उसको जड़ से ख़त्म कर देता है। पेट की सूजन और दर्द को दूर करने के लिए आप ना रोज़ाना सुबह खाली पेट 2 से 3 लौंग को चबा लीजिए, या फिर आप लौंग की चाय बनाकर भी पी सकते हैं, लेकिन खाली पेट आपको इसे पीना है, जैसे कि जो आपके पेट में बैक्टीरियाज है वो मर जाएंगे, वायरस मर जाएगा, जैसे कि पेट की सूजन कम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आप अनानास का सेवन करें दोस्तों। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना है, अनानास के सेवन से भी ना पेट की प्रॉब्लम दूर हो जाती है। ना सिर्फ आपकी पेट की सूजन कम होती है बल्कि जो दूसरे प्रॉब्लम्स आते हैं, जैसे कि आपके पेट में जलन हो गई है, पेट में दर्द है, ये प्रॉब्लम्स भी जो है अनानास दूर करता है। जी हाँ दोस्तों, देखिए आपने बिल्कुल सही सुना है, जो अनानास होता है ना हमारे पेट के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बहुत ही हेल्दी फ्रूट कहलाता है, क्योंकि इसमें ढेर सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ऐसे में आप नियमित रूप से अनानास का सेवन कीजिए। ऐसा करने से जलन और सूजन दोनों में आपको आराम मिलता है, दर्द भी कम होता है और अनानास से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाती है। आपको खुल के स्टूल आता है, जैसे कि जो अगर स्टूल आप आसानी से पास कर लेंगे तो पेट की सारी गैस भी निकल जाएगी और आप आराम से पेट की सूजन को कम कर पाएंगे, इसीलिए आप अनानास ज़रूर खाइएगा। नेक्स्ट, आप लहसुन का सेवन करें। जी हाँ, देखिए रोज़ाना खाली पेट 2 से 3 कच्ची लहसुन का सेवन जो है पेट में इन्फेक्शन वायरस को ख़त्म कर देता है, उसे मार देता है। इसके अलावा भोजन पकाते समय भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके पेट में कीड़े, वायरस, बैक्टीरियाज होते हैं ना, वो जो है मर जाते हैं। और पेट में इन्फेक्शन की वजह से जो सूजन आई है, दर्द हो रहा है, पेट में मरोड़ की प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, आप जौंग का पानी पीजिए। सूजन की समस्या से छुटकारा पाने के लिए आप 1 कप पानी में जौंग को उबाल लीजिए। अब उसमें थोड़ा सा नींबू डालकर दिन में आपको 2 बार पीना है। एक दिन में ही आप पाएंगे कि दोस्तों जो आपके पेट में मरोड़, दर्द, सूजन है, वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, खास करके पेट की सूजन जो है कम हो जाएगी। इस उपाय को आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और सबसे लास्ट वाले पैन में आप चावल के पानी का इस्तेमाल करें। जी हाँ, एक पैन में आप ना 1/2 कप सफ़ेद चावल डालकर 6 कप पानी में उबाल लीजिए। इसे छानकर ठंडा कर लीजिए। इसमें 1/2 चम्मच आपको शहद और थोड़ी सी मात्रा में दालचीनी पाउडर का मिक्स करके आपको हर 1 घंटे में से पीना है। जी हाँ, ऐसा लगातार आप 2 से 3 घंटे तक इस उपाय को ट्राई करेंगे तो पाएंगे कि जो आपके पेट में मरोड़ के साथ ही दर्द और सूजन है ना, वो दूर हो जाएगी। बहुत अच्छा उपाय है, कोई भी उपाय आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे तो 1 भी कर सकते हैं या फिर इनमें से 2 भी कर सकते हैं। तो इससे आपके पेट की सूजन 100% कम होगी, इसीलिए आप इन उपायों को ट्राई कीजिए और अपनी आंतों को और पेट को हमेशा हेल्दी बनाए रखिए, ताकि आप भी हमेशा हेल्दी रह सकें।